राजकुमार सर शूट कर रहा है आइए सर उधर क्या चल रहा है भाई ये पीछे ए पीछे एक नंबर सर। हाँ सर यहाँ पे अभी तो एंट्री शुरू हुई है। थैंक यू ओके थैंक यू सोनू सोनू लाइट अच्छी है यहाँ पर। राजपाल सर के साथ एक ग्रुप फोटो कर दे। राजपाल ये पीछे फुल फ्रेम होगा पीछे और पीछे मेरे आने से क्या हो भाई हम लोग कैसा खड़े रहते रे खतरों के खिलाड़ी। सेंटर माधे फोन ये देखना ओ भाई पीछे ले थोड़ा भाई नीचे कौन है नीचे रामपाल चलो भाई सोलो पीछे पीछे कह रहे कि पीछे कार्तिक भाई फोटो। ये सर मीडिया पूछे सर मैं परमिशन चाहूंगा सर प्लीज क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है और इस कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कैरेक्टर इतना स्ट्रेंथफुल होता है भूल भुलैया वन में जिस तरीके से हमें लाल बना के और जब भूल भुलैया 2 अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि इस बार हमारी जगह नहीं है लेकिन ऑडियंस अनीस भाई कार्तिक जी और भूषण जी मुराद जी जिस तरीके से इन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच रहा था क्योंकि मुझे तो हमेशा ऑडियंस ने गोद लेके रखा है और ये फिल्म हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें पिछली वाली में लाल था तो पानी से डरता था इस बार सफ़ेद है तो मैं अभी भूषण भाई से बोल रहा था कि मैं अगली बार पीले की तैयारी करूं क्या। गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि हमें इसमें आपने जगह दी। बाकी तो सब न्यू कास्ट है लेकिन मुझे न्यू बना के इसमें पेश कर दिया थैंक यू सो मच। क्या बात है सर क्या बात है जी। भूषण जी मेरा सवाल आप किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहाँ खड़े हैं तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं। हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है प्लीज बता दो। सर एवरी डे इज लर्निंग डे एवरी डे इज बिगनिंग डे मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी बस देखो दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव लेडीज एंड जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या कि ये कुछ नया है और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना। हाँ वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था तो मुझे ऐसा मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है और उसमें